नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। अभी हम मौजूद है मोरहाबादी मैदान में और इस मैदान में अभी प्रभात खबर की ओर से ऑटो शो का आयोजन किया गया है और इस ऑटो शो के आयोजन में कई सारी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, कई सारे आपको कार देखने को मिलेंगे, कई स्कूटीज देखने को मिलेंगे, कई मोटर बाइक्स है, कई नॉर्मल बाइक्स है, अधिकतर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है। और इसी सिलसिले में हमारे सामने एक आपको एक स्कूटी दिख रही होगी और ये स्कूटी है चेतक स्कूटी। आप हो सकते हैं हमारे दर्शकों में से अधिकतर दर्शक ऐसे होंगे जो इस चेतक स्कूटी का नाम पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार इसे पहचान रहे होंगे। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे जो ऑटो शो का ये जो आयोजन किया जा रहा है इसमें ये चेतक स्कूटी है। तो इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग होंगे, तो बाकी स्कूटी से ये क्या कुछ अलग है और ये स्कूटी काफी कम यहाँ पर राजधानी में देखी जाती है, क्या है कैसे आप थोड़ा बताइए। जैसा कि आप जान रहे हैं तो जानते ही होंगे चेतक हमारा पुराना ब्रांड है, हम पहले से भी जानते हैं हम चेतक को, बट ये जो हमारा चेतक अभी आया है ये फुल्ली रियूंड आया है और ये फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि हमारा जो है ये स्लोगन है हमारा कल करके, जो कि चेतक इसीलिए आया है। और ये गाड़ी जो है ये फुल्ली मेटल बॉडी है एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, किसी में भी ये फुल्ली मेटल बॉडी नहीं है जो कि हमारे चेतक में है। और इसका जो रेंज है अगर आप इको मोड में चल रहे हैं तो आपका फुल चार्ज में आपका 80-85 किलोमीटर्स देगा इको मोड में, अगर आप स्पोर्ट्स मोड में अगर आप इको मोड में चल रहे हैं तो 90-95 किलोमीटर्स का आपका रेंज देता है, 90-95 का रेंज देता है। और इस हम फिर से वहीं पर आएंगे कि इसकी बैटरी को लेकर हम बात करेंगे कि ये बैटरी इसमें कौन सा है और इसका टायर, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सबसे जो बाहर से दिखने वाली चीज़ होती है वो टायर होती है और ये कई जगह पे टायर ही ऐसा है जो पूरी गाड़ी को बंद कर देता है और धोखा दे देता है। तो कौन सा टायर है इसमें, टायर में कितनी मजबूती है और बैटरी कौन सी लगाई गई है वो थोड़ा आप बताना चाहिए। जैसा कि आपने पूछा बैटरी के बारे में, इसमें बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी है, जो कि जो है इसमें जो है आपका ब्रेकिंग के साथ बिना ये पावर चार्ज होता है। अगर आप मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं और अगर आप फुल स्पीड में हैं और आप ब्रेक भी दबा रहे हैं तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होता है ना उसके कारण जो है वो पावर भी सेव करती है। और लिथियम आयन बैटरी होता है वो कि जो कि अपने मोटर्स चलाने के लिए, और एक बैटरी जो है वो जो भी लीड बैटरी बोलते हैं उसे, जो कि जो है आपका इलेक्ट्रिक जो भी इक्विपमेंट्स है वो यूज करने के लिए आता है। मैं एक चीज और हम देख पा रहे हैं कि आपका ये जो पीछे भी लिखा हुआ है फ्यूचर इज नाउ रेडी फॉर यू एंड हैंडल विदाउट केयर, यस, तो ये गाड़ी चलाने समय तो केयर रखना ही चाहिए ना, तो इसमें ऐसा क्या है कि मतलब आप बिना केयर रखे भी इसे हैंडल विदाउट केयर का मतलब ये हो गया कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई और अलग अगर स्कूटी चला रहे हैं, अगर आपकी स्कूटी अगर गिरती है तो उसमें आपका डैमेज आएगा क्योंकि वो फाइबर पार्ट है और उसमें है कि आपको फुल्ली पूरा पार्ट चेंज करना पड़ेगा। और हमारा जो है ये जो है आपका फुल्ली मेटल बॉडी है और IP6 से ये वाटर रेजिस्टेंट है, जो कि आप कहीं भी बाहर पानी में भी छोड़ सकते हैं और लाइक हाफ पानी के अंदर में भी आप गाड़ी को चला सकते हैं, ये नॉर्मली रन करेगी, इसीलिए इसे बोला गया हैंडल विदाउट केयर बोला गया, मेटल बॉडी है इसमें। और जैसा कि देखिए स्कूटी में जो एक मैं भी स्कूटी चलाता हूँ और जो लोगों की राय होती है कि स्कूटी में जनरली चक्के इसके काफ़ी छोटे होते हैं और गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इसमें कुछ बदलाव किए गए? जैसे कि इसमें जो है जो आपका टायर दिया गया है वो MRF का टायर दिया गया है, जो कि ट्रस्टेबल ब्रांड है और हम लोग भी जानते हैं कि MRF का टायर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। और इसमें जो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है जिसके कारण की जो है ये स्लिप नहीं करेगी गाड़ी, अगर आप आगे वाला भी ब्रेक दबा रहे हैं तो दोनों ब्रेक साइमल्टेनियसली लगते हैं तो इसमें स्लिप करने का कोई चांसेस नहीं है। अगर आप डिस्क भी लगा हुआ है तो भी ये गाड़ी स्लिप करने का कोई चांसेस मौका नहीं देती है। और ये आप गाड़ी देख पा रहे हैं पूरी तरह से, ये जो यहाँ पर गाड़ी है चेतक, और इसके सारी चीजों के बारे में तो हमने बात कर ली और इसमें जो सबसे जरूरी पहलू है, सबसे जरूरी बात है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, इसके प्राइसिंग के बारे में। जैसे कि आखिरकार इसका दाम कितना है, क्योंकि आपने बताया कि बाकी के मुकाबले अलग इसलिए भी है क्योंकि इसमें मेटल बॉडी है,
इसमें आप पानी में भी वाटर रेजिस्टेंस है, इसमें इसमें टायर आपने काफी सोच समझ कर लगाया, सस्पेंशन इसमें काफी सही दिख रहा है, तो इस को लेकर इसके जो प्राइसिंग है, इसका जो अमाउंट है उसमें क्या कुछ वेरी क्या है? जैसे कि हमारा जो लॉन्चिंग होने वाला है वो एक्सपेक्टेड 17th का है, और हमें जैसा बताया गया इसका एक्सपेक्टेड रेट जो है 160 to 165 के अराउंड में आएगा, और इसमें आपका इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस दोनों। ये अभी तक आपका जो है ये अभी चल रहा है चेकिंग में, ये पूरी तरह से बाजार में नहीं, अभी हम ही चेतक की जो है कॉस्मिक चेतक की जो है पहला डीलर है जो कि झारखंड में, पूरे झारखंड में पहला डीलर है जो कि चेतक को डील करेगी, चेतक को डील करेगी, और उम्मीद है कि कई कुछ दिनों के बाद ही राजधानी की इन्हीं सड़कों पे चेतक दौड़ती हुई नजर आएगी। और इस पूरे उत्सव में भी आप देख सकते हैं ये केवल ऑटो शो नहीं है, ये गाड़ियों का एक बहुत बड़ा उत्सव है जो कि प्रभात खबर के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पे आपको कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको 2-व्हीलर व्हीकल्स मिल रहे हैं, 3-व्हीलर व्हीकल्स मिल रहे हैं, कारें भी आपको यहाँ पर मिल रही है, कई आपको लग्जेरियस कार भी मिल रही है, और उम्मीद है कि आप जिस चीज के लिए इस ऑटो शो में आइएगा वो चीज आपको जरूर मिलेगी, और इसीलिए हमारा आपसे बार बार अनुरोध है कि आप इस ऑटो शो में एक बार जरूर आए और इस तरह के काफी एक्साइटिंग गाड़ी को देखे। ये जो गाड़ियां हैं ये गाड़ियां आपके लिए यहाँ पर आई है, कई गाड़ियां ऐसी है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप जितने भी दर्शक प्रभात खबर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं आप यहाँ पे जरूर आए और इस ऑटो शो का आनंद लें। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।